नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, फिर से बिहार के अंदर एक वैकेंसी निकल के आई है और यह वैकेंसी बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में निकल के आई है। इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं, कौन कौन पद है, कितने पदों पर वैकेंसी निकल के आई है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं, यह वैकेंसी कब आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप एक पेपर कार्ड देख रहे हैं, ग्रामीण कार्य विभाग में होगी 16,000 नई नियुक्तियां 23वीं। दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, जो यह वैकेंसी कब निकल के आ रही है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या इसका एग्जाम होगा या मेरिट के आधार पर बहाल किया जाएगा, कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है, सारी जानकारी वन ऑन वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार ग्रामीण कार्य विभाग के बारे में। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसी वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं बिहार ग्रामीण कार्य विभाग के बारे में। आप वीडियो में बने रहिए, देख लीजिए। दोस्तों ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 पदों पर नई नियुक्तियां होगी, जो कि आज का न्यूज है। आज के अगर आप हिंदुस्तान पेपर लेते हैं तो उसमें देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, देख लीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने रविवार को कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 नई नियुक्तियां होगी। यह नियुक्तियां तकनीकी से लेकर सहायक कर्मचारियों तक के पदों पर की जाएगी। इसका मकसद विभाग में मानव बल की कमी को दूर कर ग्रामीण सड़कों का तय समय में निर्माण और बेहतर रखरखाव करना है। उप मुख्यमंत्री ने यह बातें रविवार को ज्ञान भवन में बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के 22वें आम सभा और विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। गौर हो कि 31 मई को ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण पथों के रखरखाव का जिम्मा विभाग को खुद निभाने का निर्देश दिया था। इसके लिए जितने अभियंता और कर्मियों की दरकार हो उनकी बहाली जल्द करने को कहा था। इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली डिप्टी CM सह विभागीय मंत्री तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद शीघ्र ही बहाली की प्रक्रिया आरंभ होगी। उप मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस विभाग की जिम्मेदारी दी है, इसलिए उनकी कोशिश बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभाने की है। उन्होंने अभियंताओं और अधिकारियों से कहा है कि उन्हें क्षेत्र में काम करने के दौरान किसी के दबाव में आने और गलत काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति हो तो इसकी सूचना विभाग के सचिव पंकज पाल के माध्यम से उन तक पहुँचाएं, समस्या का समाधान होगा, ईमानदारी से काम करें। मौके पर आम सभा में बिहार ग्रामीण पद विकास अभिकरण की पिछली बैठक में पारित एजेंडा की पुष्टि की गई। साथ ही पिछले डेढ़ साल में विभिन्न कार्यकारिणी समिति की बैठकों में पारित 25 एजेंडा बिंदुओं को ध्वनिमत से पारित किया गया, जो कि देख लीजिए ज्ञान भवन पटना में दीप प्रज्वलित करते हुए देख लिए उप मुख्यमंत्री साहब और इसी में बोले हैं। तो दोस्तों यह वैकेंसी बहुत जल्द आपको जून के लास्ट सप्ताह या जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट इसमें में फॉर्म भरना चाहते हैं तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, क्योंकि विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा नियमावली को लेकर, चयन प्रक्रिया को लेकर, सिलेबस को रिगार्डिंग हर चीज़, जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।